महिला खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए शनिवार को जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर एमजी गर्ल्स क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार भी दिया। क्रिकेट एकेडमी के संचालकों ने जिलाधिकारी को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर क्रीड़ा सचिव विजय चहल, प्रबंधक एमजी इंटर कॉलेज मंगेश्वर नाथ, प्राचार्य एमजी पीजी कॉलेज डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्रेम नारायण श्रीवास्तव, महिला क्रिकेटर जूही पांडे सहित प्रशिक्षण ले रहे अन्य खिलाड़ियां उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कार्यक्रम की संयोजिका रीना सिंह और जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडियन ने कहा, चलो।
बॉलिंग बहुत बढ़िया। मैं रीना सिंह एक्स क्रिकेट प्लेयर, एक्स नेशनल क्रिकेट प्लेयर हूँ और बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट पीटीआई हूँ। यहाँ पे तो जून महीने से ही बच्चे आ रहे हैं क्रिकेट सीखने, जो बेसिक के सरकारी स्कूल से आ रहे हैं। यहाँ पे जो शहर में सरकारी स्कूल हैं, कस्तूरबा गांधी जो यहाँ पे खोराबार क्षेत्र के बच्चे आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज है कारमल, सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी लेवल की बच्चियाँ, कुछ एमजी डिग्री कॉलेज की बच्चियाँ, मतलब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी सरकारी स्कूल के बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर लेवल के जूनियर सीनियर सभी तरह के। उद्घाटन है जिस पर्पज़ से किया गया, बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कि बच्चे इससे मोटिवेशन लें। और हमारे डीएम साहब से बात हुई थी पहले भी, तो उन्होंने कहा था कि हमसे जो सहयोग होगा मैं दूंगा गर्ल्स क्रिकेट के लिए और आप इंटर स्कूल्स मैच कराइए। उद्घाटन का मोटिव यही था कि बच्चे थोड़े नए हैं, इनको थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है, जिससे और मोटिवेशन हो के आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा महिला क्रिकेट यहाँ से जुड़ें। और यहाँ पर इंटर स्कूल्स मैच भी अक्टूबर महीने में, चूँकि अभी सीजन्स ऑफ हैं, तो इस वजह से इंडोर में प्रैक्टिस जैसे जिम हुआ या योगा हुआ, इस तरह जैसे सूखे दिन जैसे होते हैं उस दिन ऐसे टेनिस बॉल से मैच हो जाते हैं। और उसके बाद प्रॉपर अक्टूबर वैसे ड्यूस बॉल से नेट वगैरह शुरू होगा, जिससे कि आने वाले दिनों में यहाँ महिला क्रिकेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम करें। ये देखिए, ये महिला क्रिकेट टीम का एक तरफ हम लोग शुभारम्भ कर रहे हैं यहाँ गोरखपुर में भी, जो यहाँ कस्तूरबा विद्यालय और सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में भी बहुत सारे महिला इस पर स्पोर्ट्स में रुचि लेती है। खासतौर पे क्रिकेट का इंटरेस्ट आजकल तो बढ़ती जा रही है। हम लोग चाहते हैं टीम स्प्रिट, टीम भावना के आपस में एक अच्छा टीम बन जाए। गोरखपुर में एक दो नहीं है, सौ हज़ारों संख्या में बन जाए। वो आपस में हम लोग इन लोग आपस में कंपटीशन कराते हैं, मैच कराते हैं, उसके वजह उन लोगों का फिटनेस और टीम स्प्रिट और लीडरशिप क्वालिटी ये सारे बढ़ता है। इसलिए तो आज शुभारम्भ यहाँ से किए। ये जो स्कूल विद्यालय प्रशासन और यहाँ जुड़े हुए टीम सबको हमारा शुभकामनाएं साथ रहेगा, बच्चे का भी हमारा शुभकामनाएं साथ रहेगा। आप मीडिया से भी मैं आग्रह करता हूँ इसी टाइप के इनिशिएटिव का आगे बढ़ाइए, ताकि ये लड़की का एक तरफ सशक्तिकरण का मामला है, वो लड़की भी आगे निकल के कल हम लोग के लिए भारत के लिए मेडल जीत के आ जाएगी।